हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, आज हम साइंस का एक क्वेश्चन हल करेंगे जो गति से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विरामावस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो सबसे पहले तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है? त्वरण का फार्मूला होता है a बराबर v माइनस u बटे t। ठीक, यानी v मतलब अंतिम वेग और u मतलब प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देंगे और समय से भाग कर देंगे तो हमें त्वरण पता चल जाएगा। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। तो जब शुरू करेगा तो मतलब जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा? शून्य होगा, यानी u क्या होगा? शून्य होगा। उसके बाद शून्य का मतलब शून्य मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, पूरा ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अगर अंतिम वेग की बात करें तो अंतिम वेग 6 मीटर प्रति सेकंड है। तो v बराबर हो गया हमारा 6 मीटर प्रति सेकंड और समय हमको दिया है 30 सेकंड। तो t बराबर हो गया 30 सेकंड। ये हमारी पहली स्थिति है। ठीक, जो फर्स्ट स्टेज है उसमें ये गणनाएं हैं। अब यहाँ पे हम अगर त्वरण निकालें तो कितना आएगा? त्वरण हो जाएगा हमारा a बराबर v माइनस u बटे t। तो v माइनस u करेंगे तो क्या आएगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। समय है हमारा 30। तो इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6/30, और 6/30 को हल करेंगे, काटेंगे तो क्या आएगा? 6×5=30, 1/5, और 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या? त्वरण। ठीक, तो ये पहली स्टेज में हमारा त्वरण जो आएगा पहली स्थिति में वो आएगा 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आते हैं दूसरी स्थिति पे। दूसरी स्थिति की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो राहुल है, जो व्यक्ति है, वो ब्रेक लगाता है। ठीक, ब्रेक लगाता है तो साइकिल का वेग 5 सेकंड में कम होकर 4.1 मीटर प्रति सेकंड 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो इसके पहले जो प्रारंभिक वेग हमारा था, ये हो जाएगा हमारा प्रारंभिक वेग। ठीक, तो प्रारंभिक वेग यहाँ हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा हमारा प्रारंभिक वेग। ठीक, और अंतिम वेग हो जाएगा हमारा 4 मीटर प्रति सेकंड, और समय हमारा हो जाएगा 5 सेकंड। ये दूसरी स्थिति की बात है जब वो राहुल ब्रेक लगाता है। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो फिर वही फार्मूला a बराबर v माइनस u बटे t, यही करेंगे, फार्मूला तो यही रहेगा हमारा। तो v का मान इस समय क्या है? v का मान है 4, क्योंकि अंतिम वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है, माइनस प्रारंभिक वेग हमारा 6 है, तो माइनस 6 हो जाएगा, बटे समय है हमारा 5 सेकंड, तो 5 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा हमारा -2/5। अब -2/5 जो आया है, यही हमारा क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हमारा आ गया त्वरण। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में त्वरण इस तरह से होगा। पहली स्थिति में जो त्वरण है एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव था, और दूसरी स्थिति में जो त्वरण आया वो क्या है? वो निगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो त्वरण है उसको कैलकुलेट करेंगे इस प्रश्न में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।